वैसे तो गोल्डी बराड विदेश में छुपकर बैठा है, मगर उसके गुर्गों की पहुंच काफी दूर तक है। जब से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ है, तब से लेकर लगातार गोल्डी बराड के नाम पर फिरौती और रंगदारी मांगने की घटनाएं सामने आती रही हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार गोल्डी बराड के नाम पर गोहाना में पब्लिक हेल्थ के ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। ठेकेदार ने बताया कि उसे विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आया, जिसने खुद को गोल्डी बराड का आदमी बताया और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने बताया कि फिरौती न देने की सूरत में बदमाश ने उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इस घटना के बाद ठेकेदार ने बिना देरी के पुलिस को मामले से अवगत कराया, तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमें जो है कल एक व्यक्ति ने शिकायत दी है कि मुझे जो है गोल्डी बराड नाम के किसी आदमी की तरफ से, गोल्डी बराड ने नहीं, उसके किसी आदमी ने फोन करके और उसको पैसे की डिमांड की है और ना देने पर गोली मारने की भी धमकी दी है। जिस संबंध में मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिसकी तफ्तीश जो है गहनता से की जा रही है। सर, ये क्या काम करते हैं जिन पर धमकी मिली है? ये वाटर सप्लाई में ठेकेदारी का काम करते हैं। और किस चीज़ से, कैसे मिली धमकी सर? फोन से मिली है। गोहाना सिटी थाना के SHO देवेंद्र ने बताया कि ठेकेदार को फोन के जरिए 1 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है और जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।